हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पालक की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी और चटपटी। तो इसे हम बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से। अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो आप उन्हें इस तरीके से बना के ज़रूर खिलाएं, वो भी खाना शुरू कर देंगे। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पालक ली है और ये 250 ग्राम के करीब है। तो पालक को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जितनी भी गंदगी इसके अंदर है उसको हटा देंगे और इसके जो मोटे डंठल है उसको भी हम निकाल देंगे। इसके बाद में हम इसे साफ़ पानी से कम 3 से 4 बार धो लेंगे। तो यहाँ मैंने पालक को बारीक चॉप कर लिया है। तो जब भी आप कोई भी हरी सब्जी को काटें, पहले उसे अच्छे से धोने के बाद में ही काटिए, क्योंकि अगर आप इसको काटने के बाद में धोएंगे तो उसका जो हरापन है वो चला जाएगा। अब इसके बाद हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब मूंगफली और 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे चने की दाल और इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें सिम पे रखना है और इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का ही भूनेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे तिल। तो यहाँ मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं और इसे हमें आखिर में ही डाल के भूनना है, क्योंकि तिल जो है वो जल्दी भून जाते हैं और जो चने की दाल मूंगफली है उसको भूनने में टाइम लगता है। तो अगर आप इसको पहले डाल देंगे तो तिल हमारे जल जाएंगे। तो ये भून चुका है, अब इसको हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में हम इसको पीसेंगे। तो उसके बाद हम इसके आगे की तैयारी करते हैं। तो हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब तेल। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे 4 लहसुन की कली और 2 हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे। जब लहसुन और हरी मिर्च भून जाएगी तब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई पालक। तो पालक में हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना पानी होता है कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच के करीब नमक। तो नमक डालने के बाद में पालक से और पानी रिलीज होगा और पालक को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो अब इसको हम ढक देंगे और 5 मिनट तक पका लेंगे। इसके बाद में हम दूसरी तरफ एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल। तेल डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब बटर। तो जब भी आप बटर में कोई भी चीज़ को भूनें तो उसमें सबसे पहले तेल ज़रूर ऐड कर लें, इससे क्या होता है जो बटर है वो जलता नहीं है। अब इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम सिम पे रखेंगे। तो जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच के करीब ज़ीरा और 1/4 छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें हींग पाउडर और ज़ीरे को हम अच्छे से भून लेंगे। ज़ीरा जब हमारा अच्छे से भून जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 2 खड़ी लाल मिर्च और यहाँ मैंने 10 से 12 लहसुन की कली को बारीक चॉप कर लिया है, तो इसको भी हम डाल देंगे। अगर आप लहसुन को बारीक काट के इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद में हम लहसुन को थोड़ा सा गुलाबी होने तक भून लेंगे। तो जब लहसुन भून जाएगा तब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब खड़ा धनिया। तो खड़े धनिए को हमें दोनों हाथों की हथेली के बीच में रगड़ के डालना है। तो इसको हल्का सा क्रश कर लीजिए, इससे क्या होता है जो सब्ज़ी का फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो मैंने यहाँ मीडियम साइज़ की एक प्याज ली थी जिसको कि बारीक काट लिया है। इसको अभी हम हल्का सा गुलाबी होने तक भून लेंगे। जब प्याज हमारी भून जाएगी तब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ अदरक और अदरक को भी हम प्याज के साथ में हल्का सा भूनेंगे। इसके बाद में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। और मसालों को हम हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे।
जब मसाला हमारा भुन जाएगा तब इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर और टमाटर को हम मसालों में अच्छे से मिलाएंगे। तो टमाटर डालने के तुरंत बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। इससे क्या होता है, जो टमाटर हैं वो जल्दी पक जाते हैं। तो नमक हमें इस समय कम ही डालना है क्योंकि हमने पालक में अभी नमक डाला हुआ है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पहले भी हम पालक में नमक डाल चुके हैं। अब इसको हम ढक देंगे और ढक के 5 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेंगे, जब तक कि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारी जो पालक है वो पकी है कि नहीं। तो पालक हमारी पक चुकी है तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जो हमने चने की दाल और मूंगफली को भून के रखा था उसको हम पीस लेंगे। तो इसका हमें एक महीन पाउडर बना के तैयार करना है। अब हम खोल के देखेंगे कि टमाटर हमारे पके हैं कि नहीं। तो टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जो हमने मूंगफली और चने की दाल को पीस के रखा हुआ है वो पाउडर हम इसमें डाल देंगे। इसे डालने से हमारी जो सब्ज़ी का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप भी इस तरीके से एक बार पालक की सब्ज़ी बना के ज़रूर देखिए, यकीन मानिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब मसालों के साथ में हम इस पाउडर को भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 कप के करीब पानी डाला है और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। जब ग्रेवी में हल्का सा उबाल आ जाएगा तब इसमें हम बाद में पालक डालेंगे। तो ग्रेवी में उबाल आ चुका है तो जो हमने पालक पका के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। पालक डालने के बाद में हम इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। तो इसे अब हमको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पहले से ही पकी हुई हैं। अब इसके बाद में हम आखिर में डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच के करीब शक्कर। शक्कर डालने से क्या होगा कि जो पालक का कसालापन है वो चला जाएगा। और 1 छोटा चम्मच हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। तो नींबू का रस डालना ऑप्शनल है, आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। तो लीजिए, सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो सर्व करने से पहले हम इसमें एक तड़का लगा देंगे। तो मैंने यहाँ घी को गर्म कर रखा है और उसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हम डाल देंगे हींग पाउडर, 2 खड़े लाल मिर्च और 1/2 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो लीजिए, हमारा तड़का तैयार है। अब इसके ऊपर हम इसको डालेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो सब्ज़ी है वो दिखने में भी अच्छी लगेगी और इसका जो टेस्ट है वो भी दुगना हो जाएगा। तो पालक की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है। तो आप भी इस तरीके से बना के ज़रूर देखिए। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।